बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, आज हम स्टेकोमेट्री की असेसमेंट को डिस्कस करेंगे। चैप्टर स्टेकोमेट्री, चैप्टर फोर, फेडरल बोर्ड न्यू बुक। इसमें असेसमेंट है जी 4.4। असेसमेंट 4.4, असेसमेंट 4.4, ठीक है बेटा। अगर आप बुक का पेज नंबर है 88, पेज नंबर 88 पे आप देखें, बुक आपके पास होनी चाहिए, फिर ही आपको ये लेक्चर सही समझ आएगा। क्योंकि स्टेटमेंट मैं इस बोर्ड पे नहीं लिख सकता, इससे वीडियो का टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो आप बुक आपके पास होनी चाहिए। तो बेटा इसमें सबसे पहले 4.4 में आप देखें, पार्ट वन को आप देखें, पार्ट नंबर वन को आप देखें, इसमें पार्ट वन बेटा, पार्ट वन में देखें, वो आपसे कहता है कि जी पोटाशियम कुल रेट इज अ वाइट सॉलिड, इट इज यूज इन द मेकिंग मैचेस माचिस एंड डाइज, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। इसका पार्ट ए देखें आप, पार्ट वन में ए पार्ट देखें, उसमें आपके पास जो चीज गिवन है, ठीक है, वो मोल्स ऑफ कंपाउंड गिवन है, जो कि हैं जी पार्ट ए में 1.5 मोल ऑफ कंपाउंड, मोल्स ऑफ कंपाउंड गिवन आपके पास। पोटेशियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, मोल्स ऑफ कंपाउंड आपके पास गिवन है, कितने हैं मोल्स ऑफ कंपाउंड, 1.5 ये मोल आपके पास गिवन है, ठीक है बेटा। आपने फाइंड क्या करना है, आपने इसकी मोलैरिटी फाइंड करनी है, ठीक है, मोलैरिटी। ए पार्ट को आप दोबारा देखें, कंपाउंड है जो कि वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में डिजॉल्व है, वॉल्यूम है जी, वॉल्यूम है, वॉल्यूम है 250 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है। ये दो चीजें आपके पास गिवन है पार्ट ए में, और आपने क्या फाइंड करना है, इसकी मोलैरिटी फाइंड करनी है, मोलैरिटी आपने फाइंड करनी है बेटा। मोलैरिटी का आपको फार्मूला तो पता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन डीएम क्यूब, ये फार्मूला है, वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। बस सिंपल आपने क्या करना है, मोल्स तो आपके पास गिवन है, इस वॉल्यूम को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करें और डिवाइड कर दें, तो आगे पास सिंपल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसे इधर ही डिवाइड कर देते हैं, अगर मैं इसे 1000 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो ये आपके पास डीएम क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वैल्यू आप कैलकुलेटर में इसको करें तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.25 डेसीमीटर क्यूब। ये पुट करें यहां पर, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, कितने हैं 1.5 मोल्स, ठीक है, वॉल्यूम इन डीएम क्यूब कितना है 0.25 डेसीमीटर क्यूब। बेटा इनको डिवाइड करें, जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर में आपने करना है 6 मोल पर डीएम क्यूब, 6 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास पहला पार्ट हो गया, आपने जस्ट इसमें मोलैरिटी फाइंड करनी थी, ठीक है। आपके पास दो चीजें हैं, मोल और वॉल्यूम गिवन है, ये आपने फार्मूला लगाया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। बस आपने सिंपल इसमें एक काम किया कि वो आपने वॉल्यूम को डीएम क्यूब में कन्वर्ट किया। बेटा बाद ये पार्ट बी की तरफ, बी पार्ट की तरफ आए, उसमें आप देखते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। पार्ट बी में आप देखें, आपके पास पार्ट बी में कहता है जी 75 ग्राम ऑफ द कंपाउंड डिजॉल्व टू प्रोड्यूस 1.25 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। मैस ऑफ कंपाउंड गिवन है, मैस ऑफ कंपाउंड आपके पास गिवन है, मैस ऑफ कंपाउंड, मैस ऑफ कंपाउंड कितना है जी 75 ग्राम, 75 ग्राम, ठीक है। और बेटा इसके साथ दूसरी चीज जो पार्ट बी में गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, वो भी डीएम क्यूब में ही गिवन है वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम भी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, कितना वॉल्यूम है जी
वॉल्यूम है 1.25 डेसीमीटर क्यूब, आपके पास बुक होनी चाहिए 1.25 डेसीमीटर क्यूब। पार्ट बी में आपके पास दो चीजें हैं, मैस है और वॉल्यूम है, इससे आपने क्या फाइंड करना है, मोलैरिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तीनों पार्ट तीनों में मोलैरिटी ही फाइंड करनी है। तो बेटा मोलैरिटी का सीधा सीधा फार्मूला लगाएं आप, ठीक है, मोलैरिटी किसके इक्वल है, मोलैरिटी आपके पास इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्यूट, सिल्यूट अगर लिखे ना लिखे आपकी मर्जी, वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। मैं ऐसे लिख देता हूँ वॉल्यूम डिवाइड में, साइड पे लिख सकता हूँ, मैं आपको साइड पे भी मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब में आप मिलेंगे। तो आपको पता है ना मोल्स किसके इक्वल होता है, मोल्स इक्वल होता है मैस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मैस। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं रीअरेंज कर रहा हूं क्योंकि यहां पर हमारे पास मैस आ गया, मल्टीप्लाई 1 बाय वॉल्यूम इन डीएम क्यूब, वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। बेटा वैल्यू पुट करें आपके पास मैस तो आप लगा देंगे कंपाउंड का, मोलर मैस चाहिए। अब कंपाउंड कौन सा है, कंपाउंड आपके पास पोटेशियम क्लोरेट है, ठीक है, के सी एल ओ थ्री है, के सी एल ओ थ्री पोटेशियम क्लोरेट, इसका मोलर मैस निकालना है। तो मोलर मैस निकालने के लिए आपने क्या करना, पीरियोडिक टेबल यूज करना है, इसके मैसेज को आपस में ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे पोटाशियम है इसका मैस तकरीबन 39 समथिंग आता है, क्लोरीन का 35.5 आता है, ऑक्सीजन है इसका 16 आता है, तो सबको ऐड करके आप एक्यूरेट वैल्यू निकालें तो 122.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये मोलर मैस है। बड़े सारी वैल्यू पुट करें इस फार्मूले में आप, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मैस इन ग्राम, कितना है आपके पास 75 ग्राम, 75 ग्राम। मोलर मैस कितना है 122.5 ग्राम पर मोल, सॉरी पर मोल है, ठीक है, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन डीएम क्यूब, कितना है जी 1.25 डेसीमीटर क्यूब। तो इसमें आप इसको कैलकुलेटर में आपने करना है, इसको आपस में कैंसिल होगा, ये डिवाइड कर दें, इसको डिवाइड करें, इनको डिवाइड करें, आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो बस मैं यहाँ पर फाइनल आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी, अब मोलैरिटी आ जाएगी आपके पास 0.48 आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेटर में आपने करना है, तो यहाँ पर डीएम क्यूब है मोल, ये वाला मोल ऊपर चला जाएगा, नीचे डीएम क्यूब, तो ये आपके पास मोलैरिटी आ गई। ठीक है, क्लियर है बेटा, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। पार्ट सी की तरफ आए, पार्ट सी में आपने क्या क्या करना है जी, पार्ट सी में आपने फाइंड करना है मोलैरिटी ही फाइंड करनी है पार्ट सी में आपने। ठीक है, पार्ट सी में भी आपने मोलैरिटी ही फाइंड करनी है। बुक से उसकी स्टेटमेंट पढ़े आप, पार्ट सी में आप देखिए मैस गिवन है जी, पार्ट सी को मैं पढ़ लेता हूं यहां पर, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सैंपल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन, यील्ड 0.25 ग्राम। ठीक है, मैस गिवन है, ठीक है, इसमें मैस गिवन है, कितना मैस है जी, पार्ट सी को आप देखें, पार्ट सी को मैस गिवन है, कितना है जी मैस, मैस है जी 0.25 ग्राम, 0.25 ग्राम। ठीक है, वॉल्यूम आपके पास जो इस न्यूमेरिकल में वॉल्यूम है वो कितना है, वो है 50 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम कितना है 50 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये दो चीजें आपके पास है, इसमें भी आपने क्या फाइंड करना है, मोलैरिटी ही फाइंड करनी है। ठीक है, मैस गिवन है और ये वॉल्यूम गिवन है, तो इसी वॉल्यूम को तो डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर दिया करें, क्योंकि मोलैरिटी के फार्मूले में जो है ना वॉल्यूम जो है वो डीएम क्यूब में। ठीक है, तो 50 को इसे डिवाइड करें तो आपके पास वॉल्यूम 0.05 आ जाएगा, 0.05 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा, तो ये वॉल्यूम आ गया आपके पास। मोलैरिटी फाइंड करनी है आपने, मोलैरिटी इज इक्वल टू
मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई वन बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। मोल्स किसके इक्वल होते हैं, ये पहले भी हमने किया है, मोल्स इक्वल होते हैं मैस इन ग्राम, मैस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई वॉल्यूम, वॉल्यूम इन डीएम क्यूब, वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो बेटा देखिए वही है, पोटासियम क्लोराइड ही है इसमें भी कंपाउंड, तो मैस कितना है 0.25 ग्राम। मोलर मैस किसका लगेगा, पोटासियम क्लोराइड का ही लगेगा, जो कि पहले मैंने निकाला है कितना 122 है, 122 ही इधर लगेगा 0.5, ठीक है, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब पर मोल। और यहां पर वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में कितना होगा 0.05 डेसीमीटर क्यूब। बेटा इन दोनों को डिवाइड करें और फिर बेशक इससे डिवाइड कर दे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी, आपके पास फाइनल आंसर, मैं यहां पर लिख रहा हूं, फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 0.04081। ठीक है, तो ये देखें ग्राम ग्राम से कैंसिल हो गया, मोल ऊपर जाएगा, -1 है तो ऊपर मोल हो जाएगा और नीचे क्या है डेसीमीटर क्यूब, ये आंसर आ गया। बट इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसका और भी आसान मेथड ये कि पहले आप इस मैस को मोल में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, ठीक है, ये जैसे मोल में कन्वर्ट, मोल में कन्वर्ट होने के बाद बस इस वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया करें मोल से। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, पहला पार्ट इसका क्लियर हो गया, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है जी, बहुत इजी है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.25 मोलर लिथियम हाइड्रोक्साइड विल कंप्लीटली रिएक्ट विद 0.500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ 0.25 मोलर H2SO4। वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है, वॉल्यूम फाइंड करना है, लेकिन यहां पर आप याद रखिए कि M1V1 वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, M1V1 वाला फार्मूला लगेगा, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 वाला फार्मूला लगेगा। जब भी किसी न्यूमेरिकल में एक से ज्यादा मोलैरिटी आ जाए, एक से ज्यादा वॉल्यूम आ जाए, तो आप समझें कि उसमें M1V1 M2V2 वाला फार्मूला लगेगा। यहां पे बेटा देखिए पार्ट 2 को, ठीक है, जो चीजें गिवन है वो लिख लें आपके पास। मोलैरिटी गिवन है जी एक सोल्यूशन की, मोलैरिटी मोलैरिटी गिवन है आपके पास, आपके पास बुक होनी चाहिए, वो खुद ही पता लगेगा। मोलैरिटी मैं इसे मोलैरिटी को M1 कह देता हूँ। ठीक है, पहली मोलैरिटी M1 है, कितनी है M1 0.25 मोलर, 0.25 मोलर, ये मोलैरिटी गिवन है आपके पास। फिर इसके बाद वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है जी जो कि V1, वॉल्यूम जो है वो कितना है V2 है, ये वॉल्यूम V2, मैं आपको बताता हूँ V2 कितना है 0.500 डेसीमीटर क्यूब। M2 कितना है, ठीक है, M2 है 0.25 मोलर। फाइंड क्या करना है, V1 फाइंड करना। बेटा आपने देखिए वो शुरू में ही पूछा व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.2, पहले रिएक्टेंट का वॉल्यूम पूछ रहा है। अगर रिएक्शन में इधर लिख दूं तो रिएक्शन आपकी बुक में देखा आपको नजर आ रहा होगा, रिएक्शन गिवन है। ठीक है, तो 2 लिथियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद H2SO4 प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, लिथियम सल्फेट प्लस H2O। तो पहले पहले रिएक्टेंट के वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो इसलिए यहां पर वॉल्यूम V1 का ही फाइंड करना है आपने। ठीक है बेटा, ये आपके पास N1 है, N1 यहां पर 2 आ रहा है, ये आपके पास N2 है, यहां पर 1 है, तो यहां पर N2 आपके पास 1 आ रहा है। ठीक है, फार्मूला कौन सा लगाना है आपने, M1 V1 इज इक्वल टू N1 M2 V2 इज इक्वल टू N2, ये फॉर्मूला आपने लगाना है। ठीक है बेटा, वैल्यू पुट करें आप, ठीक है, वैल्यू पुट करनी है आपने और V1 आपने फाइंड कर लेना है। तो M1 की वैल्यू पहले आप देखें कितनी है, 0.25
25 या 1 की वैल्यू है। वी वन हमने फाइंड करना है, इसको इसी तरह छोड़ दें। एन वन आपके पास कितना है, एन वन टू है, इज इक्वल टू एम टू कितना है 0.25, ठीक है। और इसके बाद वी टू कितना है, वी टू आपके पास 0.500 है, डिवाइड बाय एन वन क्या है 1, ठीक है बेटा। इसको आप सॉल्व करें, वी वन की वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है। तो V1 तो इजीली निकल जाएगा यहाँ से, तो इसको पहले आप डिवाइड करें कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर में जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा 0.125 आ जाएगा, ठीक है। इधर है V1 और यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0. इसकी वैल्यू भी 0.125 आ जाएगी, 0.125 आ जाएगी। तो V1 फाइंड करना है, ठीक है। तो V1 इज इक्वल टू 0.125 डिवाइड बाय 0.125, तो V1 आपके पास आ जाएगा 1, साथ क्या आएगा डेसीमीटर क्यूब। ये बेटा आपके पास फाइनल आंसर आ गया। इस न्यूमेरिकल को देखिए, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। इसमें जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आपको आएगी V1 और V2 में आएगी, तो बस वो पहले ही पूछ रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ द लिथियम हाइड्रोक्साइड, तो V1 का ही आपने फाइंड करना है, और इसके अलावा और M2 और V2 वगैरह ही होंगे। बेटा अब आज इसी का दूसरे पार्ट की तरफ आए, ठीक है, तीसरे पार्ट की तरफ आए, और तीसरे पार्ट को करते हैं इसमें असेसमेंट के। तीसरे पार्ट में वो पूछता है आपसे, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर HCl सॉल्यूशन। तो मैस आपने फाइंड करना है बेटा, ठीक है। आपके पास गिवन क्या है, आपके पास वॉल्यूम गिवन है और मोलैरिटी गिवन है, दो चीजें गिवन है, वॉल्यूम और मोलैरिटी। तो वॉल्यूम थ्री नंबर पार्ट कर रहे हैं, वॉल्यूम गिवन है और मोलैरिटी गिवन है। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम आपके पास बेटा है कितना, वॉल्यूम है 40 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और मोलैरिटी गिवन है आपके पास, मोलैरिटी कितनी है, मोलैरिटी है आपके पास 0.5 मोलर, ठीक है। आपने क्या फाइंड करना है, आपने मैस फाइंड करना है। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, ठीक है, दो चीजें गिवन है तो इससे आपने मैस फाइंड करना है। तो आप इजीली आप फॉर्मूला लगाएं, मोलैरिटी किसके इक्वल है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम। मैं वॉल्यूम को साइड पे लिख रहा हूँ, वॉल्यूम इन डीएम क्यूब, मैं वॉल्यूम को साइड पे लिख रहा हूँ ताकि मैं इजीली से मैस फाइंड कर सकूँ। मोल्स किसके इक्वल होते हैं, मैस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मैस वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। तो ये वॉल्यूम आप डीएम क्यूब में यहीं कन्वर्ट कर लें, इसको आप 1000 से डिवाइड कर दें, ठीक है। 1000 से बेटर जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा 0.04, ठीक है, वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा 0.04, नहीं एक मिनट, 0.04, ठीक है, 0.04 डेसीमीटर क्यूब हो जाए, ठीक है बेटा। आप देखें मोलैरिटी कितनी है, वैल्यू पुट करें, मोलैरिटी है 0.5, और कंपाउंड कौन सा है, कंपाउंड आपके पास इसमें है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका मोलर मास भी चाहिए होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH का मोलर मास भी यहाँ पर चाहिए हमें, ठीक है। ये तो सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ये 40 ग्राम आ जाएगा, 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये चीज़ आपने फाइंड करनी है इसमें, ठीक है। तो आज मोलैरिटी की वैल्यू पुट करें, मोलैरिटी की वैल्यू कितनी है, 0.5 मोलर इज इक्वल टू ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई मोलर मास कितना है 40 है, तो मल्टीप्लाई 40, ठीक है। और साथ वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम कितना है 0.04 था ना, तो ये इधर डिवाइड इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.04। ये तीन चीजें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। तो बेटा आपके पास
0.0, अब इसको आपस में करें, ठीक है, मैस, मोलर मैस 40 है और वॉल्यूम जो है वो भी इधर आ जाएगा। यहाँ आप सिंपल पहले मोल्स फाइंड कर लें, ठीक है, मोल्स, तो मोल्स या बस सिंपल आपने ये मोल्स नहीं फाइंड, आपने मैस ही फाइंड करना, मोलर मैस इधर आ गया मोलैरिटी के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, मोलैरिटी 0.5 थी और सब वॉल्यूम ये होगा, तो आपके पास ओवरऑल मैस जो है वो कितना आ जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें बेटा, तो आपके पास 0.8 ग्राम आ जाएगा, 0.8 ग्राम आ जाएगा। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, बस जस्ट आप कैलकुलेशन में ख्याल करें, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, ठीक है, और आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट आई होप कि आपको असेसमेंट समझ आई होगी, बहुत ही आसान असेसमेंट है और ये एक ही फार्मूले पे असेसमेंट हो रही है, एक तो ये फार्मूला इसमें लगा है और दूसरा M1, V1, M2 और V2 वाला फार्मूला लगा है, ठीक है बेटा, इसको नोट करें और इसी तरीके से इसको सॉल्व करें।